सुधीर शर्मा। देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुधीर शर्मा जी। ये एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स CGST एंड सेंट्रल एक्साइज से हैं और फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट में ये कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सर, ये जितने खिताब आपके नाम के आगे लगे हुए हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। इधर आप खेल खेलना है, रेड वेट मत मार दीजिए। सर, आपके फैंस और आप कोई गलत काम करें, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सर। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको, आपकी पत्नी जी हूँ। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं भी इनकी कलीग हूँ, कस्टम सेंट्रल एक्साइज में ही एज अ सुपरिंटेंडेंट और एयरपोर्ट पर पोस्टेड हूँ। दोनों पति पत्नी। सर, ये 91 बैच है, मुझसे सीनियर है, तो ऑफिस में भी और घर पे भी। ओहो, 93। ओके, तो जब आपकी ड्यूटी लग गई है एयरपोर्ट पे सर, तो वहाँ पर किस तरह का काम होता है आपका? सर, एयरपोर्ट पे मुख्यतः तो हम लोग को जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमको देखना होता है कि इलीगल कोई चीज़ इम्पोर्ट ना हो और इलीगल कोई चीज़ एक्सपोर्ट ना हो। इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ सर कि हमने अभी पिछले साल 32 किलो गोल्ड का जो सबसे बड़ा केस था हिंदुस्तान का एयरपोर्ट के अंदर, उसमें मैं उस टीम का हिस्सा। मानेवर, हम लोग पुलिस अफसर की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में और कई जगह पर हमने जा कर के रेड किया जी, क्या वास्तविक में ऐसा ही होता है? करीब करीब सही ही होता है सर, वो उतनी ही गोपनीयता रखते हैं। उसी तरह से वही लिफाफे को बंद करना, एक ही टाइम पे खोलना, तो जैसे दुकान है किसी में, कोई एविडेंस कहाँ पर मिल जाएगी, वो घर है कोई और कोई प्रतिष्ठान है, तो हम वहाँ जाते हैं और उसमें एक ही टाइम पे घड़ियाँ मिलाते हैं और बाकायदा उस टाइम पे स्ट्राइक करते हैं, ताकि अगर वो आगे पीछे का टाइम हो जाएगा तो एविडेंस और जो भी गलत राशि है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इधर से उधर हो जाएंगे जी। तो बिल्कुल वही तरीका रहता है। रियली गुड।